अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आपको वेलकम करता हूँ टूर एंड ट्रैवल यूट्यूब चैनल की एक अगली वीडियो में। और आज आपके लिए एक अच्छी अपडेट लेकर आया हूँ, वो है पाकिस्तान रेलवे ट्रेन के हवाले से कि कौन सी ट्रेन अभी इस वक्त स्टार्ट हो चुकी हैं, कौन सी जो ट्रेन है उसकी डेट दी गई है, और जाफर एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस पे सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके, तो आप उसको देख सकें। तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान रेलवे ट्रेन ने जो ट्रेन है वो बहाल करने का फैसला कर लिया और उनकी डेट भी दी गई है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि कौन सी ट्रेन जो है वो अभी बहाल की गई है, कौन सी ट्रेन जो है वो अभी इस वक्त चल रही हैं। तो उनमें जो है रहमान बाबा, खैबर मेल, कराक्रम एक्सप्रेस, पाक बिजनेस, कराची एक्सप्रेस, सखर एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस और इलामा इकबाल हैं। और उसके साथ जो है वो तेज़ गाम जो है वो 1 नवंबर से जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो ट्रेन है वो अभी चल रही हैं, तो 1 नवंबर से जो है वो तेज़ गाम चल रही है। और उसके अलावा हज़ारा एक्सप्रेस जो चलती है कराची से हवेलियाँ तक बरास्ता लाला मूसा, और वहाँ से फिर जाती है रावलपिंडी और फिर वहाँ से हवेलियाँ, कराची से ये जो शुरू होती है चलती है ये और जाती है हवेलियाँ तक। इसकी जो डेट दी गई है वो 10 नवंबर दी गई है कि 10 नवंबर को जो हज़ारा एक्सप्रेस है वो चल जाएगी। तो अच्छी अपडेट है। और वैसे भी मैं जो है सफ़र करना चाह रहा था पाकिस्तान एक्सप्रेस पर, तो वो भी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो जो आज जो है वो डेट 6 नवंबर है और 2022 और एक अच्छा जो वो मौसम है इस वक्त, और दोपहर का टाइम है, 12 बज चुके हैं इस वक्त, और अच्छा जो इस वक्त जो वेदर है वो इस वक्त मौजूद है। और इसके अलावा 10 नवंबर को आपको मैंने बताया हज़ारा एक्सप्रेस और जाफर एक्सप्रेस जो चलेगी पेशावर से लेकर मच तक, रेलवे स्टेशन मच तक बलोचिस्तान में है वो, तो वो उसकी जो डेट दी गई वो 20 नवंबर। और अवाम एक्सप्रेस जो चलती है कराची से चलती है और जाती है आती है पंजाब में, उसके अलावा तो उसकी जो जाफर एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस जो है वो चल रही है, लोकल ट्रेन है ये, तो इससे जो है वो बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। ये भी जो है 20 नवंबर को चल रही है और जिस ट्रेन के ऊपर मैं सफ़र करना चाह रहा था वो चल रही है 25 नवंबर से पाकिस्तान एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो चल रही है। तो इंशाल्लाह जैसे ट्रेन चलती है तो उसका सफ़र है वज़ीराबाद से लेकर सांगला हिल तक, तो सांगला हिल वहाँ पे एक अच्छी जगह है, वहाँ पर चलेंगे आपके साथ और उसको जो है वो एक्सप्लोर करेंगे सांगला हिल को आपके साथ। तो वहाँ पर मैं जाना चाह रहा था काफ़ी देर से, मेरा जो प्रोग्राम वो बना हुआ है, तो लेकिन जो थी वो ट्रेन जो थी वो बंद हो चुकी थी। और मज़ीद जो अपडेट है वो क्या रहेंगी वो भी आप तक पहुँचाएँगे। अभी जो अच्छी अपडेट हमें मिली है इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला के जनाह पार्क में, यहाँ पे इसकी वीडियो पहले ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। वो मैंने बनाई थी कोविड 19 में जो है वो वीडियो मैंने बनाई थी यहाँ की, तो उस वक्त जो थी पार्क बिल्कुल बंद थी और इतना रश भी नहीं था वहाँ पर, यहाँ पर तो अभी यहाँ पर जो है वो रश होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो अपडेट है वो आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। और उसके अलावा जो ट्रेन अभी इस वक्त बंद हैं जिनकी अभी तक डेट नहीं दी गई, उन ट्रेन में शामिल है ग्रीन लाइन सर सैयद शालीमार एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस, शाह हुसैन, बुलान मेल एक्सप्रेस जो चलती है कराची से लेकर जो कोयटा तक चलती है बुलान मेल, तो उसकी भी अभी तक कोई जो डेट कन्फर्म नहीं की गई। और इसके अलावा और जिक्रिया एक्सप्रेस, इनकी जो है वो अपडेट नहीं आई। ग्रीन लाइन जो चलती है इस्लामाबाद से चलती है और जाती है कराची, इसका स्टाफ कम है, जो उसके स्टाफ हैं वो है पहला स्टाफ जो है वो इस्लामाबाद का जो मारगला स्टेशन है वहाँ पे है, और जो अगला स्टेशन है इसका वो आ जाता है रावलपिंडी लाहौर, और इस तरीके से फिर ये जाती है गुजर के बहावलपुर के रास्ते कराची, तो इसका बहावलपुर में भी स्टाफ है और हैदराबाद में भी स्टाफ है, इसका स्टाफ बहुत कम है। तो सर सैयद भी अभी इसकी फरीद एक्सप्रेस की जो है वो अक्सर दोस्तों के माइंड में ख्याल है कि फरीद एक्सप्रेस कब चलेगी, लेकिन अभी तक पाकिस्तान रेलवे ने उसका जो फैसला नहीं किया कि ये जो फरीद एक्सप्रेस ट्रेन है ये कब चलेगी।
तो जैसे इनका कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो आप तक जो है वो लाजमी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन थी आप तक देनी थी कि पाकिस्तान रेलवे ने अभी तक कौन सी ट्रेन चलाने का फैसला किया है, कौन सी ट्रेन चल रही है और कौन सी ट्रेन की जो डेट दी गई है। तो जिन की डेट दी गई वो तो तेजगाम जो है वो चल चुकी है 1 नवंबर से, तो 10 नवंबर से ज़ारा एक्सप्रेस, 20 नवंबर से जाफ़र और अवाम एक्सप्रेस और 25 नवंबर को चल रही है पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो जाफ़र एक्सप्रेस जो क्यों मार्च तक चली है उसकी आपको मैं बता दूँ साथ साथ कि जो जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन है उसका अभी बुलान मेल का जो ब्रिज है वो अभी तक बना नहीं है। तो मज़ीद इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो 3 माह मज़ीद लग सकते हैं कोटा तक चलने में, जब तक जो बुलान मेल जो है वो उसका जो है वो तैयार नहीं हो जाता, उसका जो ब्रिज है वो उस तब तक ये जो ट्रेन नहीं चलेगी, कोटा तक नहीं जाएगी, मार्च तक चलेगी। मार्च नज़दीक है और जो लोग जाना चाहते हैं बलूचिस्तान कोटा तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी जो है वो पैदा होगी कि पाकिस्तान रेलवे ने कोटा मार्च तक जाफर एक्सप्रेस चलाने का जो फैसला कर लिया है। तो बुलान मेल की अभी तक कोई ख़बर नहीं है और इसके अलावा ग्रीन लाइन की भी अभी तक कोई अपडेट नहीं मुझे मिली। तो पाकिस्तान एक्सप्रेस की भी अपडेट है और पाकिस्तान ने लाहौर से रावलपिंडी 2 ट्रेनें चलाई थी जिनमें पिंडी एक्सप्रेस और एक और ट्रेन थी रावलपिंडी एक्सप्रेस, तो ये 2 ट्रेनें चली थी लेकिन ये भी बंद हो चुकी हैं। अगर ये चलती तो गुजरांवाला लाहौर रावलपिंडी के जो शहरी हैं और उनको जो थी वो अच्छी एक सफरी सहूलियात मिलकर होना थी क्योंकि ट्रांसपोर्ट का तो आपको पता है काफ़ी महंगी है। तो जो पाकिस्तान रेलवे है वो जो है वो उसकी जो टिकट है इनसे काफ़ी जो कम होती है। तो ओके जी, ये थी इन्फॉर्मेशन, आप तक पहुँचाना ज़रूरी थी। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे साथ रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात रहेगी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।